जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 66, 67, 68, 69, 70 पर चर्चा करेंगे। नास्ति बुधिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभायत शांतिर शांति से कुत सुखम। अर्थात जिसका मन सहमित नहीं है उसकी बुद्धि भी नहीं होती। जो व्यक्ति सहमित नहीं है वह ध्यान नहीं कर सकता। जो ध्यान नहीं कर सकता उसको शांति प्राप्त नहीं होती। जिसको शांति प्राप्त नहीं होती वह सुख कैसे प्राप्त होगा। अर्थात मन और बुद्धि की स्थिरता और शांति की प्राप्ति के लिए संयम और ध्यान की आवश्यकता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मोनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव विवाम में बैसी। जब इंद्रियां चलती हैं और मन उनके ही पीछे भागता है तो यह मनुष्य की प्रज्ञा को ऐसे छीन लेता है जैसे वायु में नाव को बहा देती है। अर्थात जब हमारी इंद्रियां जैसे आँख कान भटकती हैं और मन उनके पीछे चलने लगता है तो यह मनुष्य की बुद्धि को अस्थिर कर देता है जैसे हवा पानी में एक नाव को बहा देती है। उसी प्रकार बुद्धि भी इंद्रियों के कारण भटक जाती है। इस श्लोक की सीख यह है कि हमें अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि हमारी बुद्धि और समझ स्थिर रह सके। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे बहतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है और बाहरी वस्तुओं और इच्छाओं से दूर रहता है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। यदि अपनी इंद्रियों को अपने इरादों से नियमित कर सके तो हमारी बुद्धि मजबूत रहती है जिससे हम जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं और आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति स्यामि यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मने। अर्थात जो सामान्य लोगों की रात होती है वह योगी और ध्यानशील व्यक्ति के लिए जागरण या जागने का समय होता है। वही जब सामान्य लोग जागते उसी समय योगी व्यक्तियों के लिए रात होती है। अर्थात हमें सांसारिक आकर्षणों और व्यय से ऊपर उठकर नई दृष्टि और समझ विकसित करनी चाहिए। आपूर्य मानाम चलिया प्रतिष्ठित समुद्र मापह परविशंति यदवत तद्वत कामाम यम परविशंति सर्वे स शांति मापति न कामे कामी। जैसे सभी नदियाँ और समुद्र में प्रवेश करती है जो पूर्ण रूप से भरा हुआ है और स्थिर है वैसे ही सभी इच्छाएं उस व्यक्ति में प्रवेश करती है जो स्थिर और संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। अर्थात जैसे समुद्र पूरा भरा हुआ और स्थिर रहता है चाहे कितनी भी नदियां उसमें मिले उसी तरह एक व्यक्ति जो आंतरिक रूप से संतुष्ट और स्थिर रहता है सभी इच्छाओं को सहजता से स्वीकार कर लेता है ऐसे व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इच्छाओं से भरा रहता है वह शांति नहीं पा सकता। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।